नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक वोडाफोन यूजर हैं तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि वोडाफोन डबल डेटा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतने का रिचार्ज करवाते हो, यहाँ पे जो लिस्ट है, जैसे कि मैं हर बार करवाता हूँ 249 का, तो उसमें मुझे 1.5 GB पर डे मिलता था, लेकिन डबल डेटा बेनिफिट की वजह से मुझे पर डे 3 GB लोग देते थे। लेकिन हाल ही में मैंने रिचार्ज करवाया है तो मुझे डबल डेटा बेनिफिट नहीं मिला है, ओनली मुझे 1.5 GB ही मिलता है अभी भी। लेकिन एक बात और अच्छी, मान लीजिए कि आपका जो 1.5 GB पर डे मिलता था, तो आपका किसी काम की वजह से पूरा फिनिश हो गया है और आपका कोई भी काम अधूरा बाकी रह गया है, तो उसको आप विदाउट कोई एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाए आप उसको कैसे यूज में ले सकते हो, कैसे अपना पूरा काम कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ वोडाफोन का जो नया स्कीम है उसके बारे में। तो आपको यहाँ पे *111*2*2 और हैश करके कॉलिंग कर लेना है। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको वन प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे वन प्रेस कर देता हूँ और सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख क्या रहा है कि 1.5 GB में से आपने इतना यूज़ कर लिया है। यहाँ पे मुझे 74% अभी दिखा रहा है। अगर आपका यहाँ पे पूरा 0-0 हो जाता है और आपका अभी भी काम बाकी रह जाता है, तो आप एक काम कर सकते हो, ये लोगों ने 5 GB और एक्स्ट्रा दे रखा है, इसके लिए आपको यहाँ पे 0 प्रेस करके और सेंड पे क्लिक कर देना है। तो देख लीजिए डबल डेटा बेनिफिट तो नहीं मिला, लेकिन मुझे 5 GB ये लोगों ने एक्स्ट्रा दिया था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अभी कितना बचा हुआ है मेरा, 3.85 GB बचा हुआ है। तो मैंने 1.15 GB यूज़ कर लिया है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इस प्रकार से आप देख सकते हो, अगर आपका भी कोई काम यहाँ पर छूट जाता है या फिर बाकी रह जाता है, तो आप ये वाला डेटा यूज में ले सकते हो, जो कि वोडाफोन आपको एक्स्ट्रा 5 GB दिया हुआ है। वोडाफोन अगर आपको 1.5 GB रोज पर डे तो देता ही है, साथ में आपको जो 5 GB है वो एक्स्ट्रा दे रखा है। तो उसमें से आप, अगर आप ज़रूरत का काम अगर आपका बाकी रह गया है, तो उसमें से आप यूज में ले सकते हो। रात के 12 बजे के बाद तो ऑटोमेटिक से हमको 1.5 GB पर डे के हिसाब से मिल ही जाता है। तो आप अगर ज़्यादा ही काम करते हो तो फिर उसको यूज में ले सकते हो। तो दोस्तों, अभी भी आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। और साथ में ये भी बताना कि अगर आपने अभी भी हाल ही में वोडाफोन रिचार्ज करवाया है, तो आपको डबल डेटा बेनिफिट मिला है या फिर यस या फिर नो, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी तक नहीं मिला है।